निंजा ने तो 300 सीसी बना दिया जो कि लोएस्ट बजट बाइक है, लेकिन हमारे पास आरसी 390 है। कल आगे निकल रहे थे ना तुम मुझसे, आज तबीयत वाले ड्रीम लेके आया हूँ मैं। ओ भाई साहब, अभी पांचवे गियर में ड्रैग लगा हुआ है। ओके, ग्रे कलर वाली NS200 बुक करी अपनी कजन के लिए। यूट्यूब से इतना पैसा कमाया इसने, अन्ना पैसा। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा अगर होगा ना, वो ये वाली बाइक लेगा तो ऐसा सच में फील होता है ना, एक सुपर बाइक की तरह दिखती है। सीन मेरी बाइक से स्मेल क्यों निकल रही है मेरी भी। स्वागत करता हूं आप सबका एक और नई वीडियो में, एंड आज की वीडियो हम आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप एकदम से बढ़िया होंगे। सुबह सुबह ही जब ये मेरे घर आया तो इसका ना बाइक क्रैश हो गया बाहर। सॉरी मेरे घर आने से भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी वजह से किसी का क्रैश हो गया। वजह से नहीं हुआ, मैंने उधर लगा के रखी थी। हाँ। तो चलो, इसका ना लीवर भी टूट गया, गियर वाला लीवर टूट गया, साथ में क्लच वाला लीवर और ये गियर। वैसे RS200 में ज्यादा मेजर डैमेज होता नहीं है, जब भी गिरती है ना तो थोड़ा राइट साइड से मतलब पार्ट्स टूट जाते हैं, मानो लीवर टूट जाएगा या गियर लीवर टूट जाएगा, दो तीन चीजें ही होती है। तो ये रहा मेरा छोटा भाई यहाँ पे, आज इसको हम ना बार्बर के पास लेके जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे, इस बाद में इसको सिस्टर ले जाएगी क्योंकि इसने 7 दिन से भाई नहाया भी नहीं है एंड ये बीमार था। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा तो फिर स्कूल भी जाएगा। आपको पता है ये 7 दिन से ना स्कूल भी नहीं गया हुआ, जब से नानी के घर से वापस आया। एंड जो तुम भाई लोग सामने वाला विंडशील्ड बोलते हो ना चेंज करवाने के लिए, ये ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली मैं तुम्हें बोलूं यार, मेरे को ये अच्छा लगता है, शार्प बहुत ज्यादा ना। इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, तुम कमेंट करके बताओ इसकी जो चेसी है ना, ये पेंट हुई है या रैप हुई है, तो कमेंट करके बता दो। चलो भाई, छोटे भाई को बार्बर के पास छोड़ आते हैं। कैसे रखना हेयर कट भैया? थोड़ा नॉर्मल हेयर कट रखना, ठीक है, प्यारा सा। इसको ब्लॉग में आना होता ना तो प्यारा लगना चाहिए बाद में थोड़ी, है ना? सही बात है, ठीक। हाँ, गजनी खराब लगेगा भाई। यहाँ से अंडरकट करो थोड़ा प्यारा सा, तो यहाँ से निकलते हैं, सिस्टर इसको पिक करने के लिए आ जाएगी। ओके गाइज, आज अपनी वुल्फ को हमने नहीं लाया क्योंकि ना उसकी मॉडिफिकेशन 2 दिन के बाद हो जाएगी। चलो मैं सोच रहा हूँ ना अपना रेड कलर जो है ना वो ही वापस ला देंगे। मैं ना पहले उससे रैप हटा के ना अपने ओरिजिनल रेड में लाऊंगा, जैसे कि तुम सब लोगों ने कमेंट करी है। सीरियसली ड्रीम रोज नाराज हो जाता है क्योंकि मैं इसको राइड नहीं करता हूँ, तो आज इसको ना मैंने अपने साथ लाया क्योंकि ये ऐसी मशीन है ना भाई लोग, इसको हम घर पे नहीं रख सकते ज्यादा टाइम तक, ये ना भगाने वाली मशीन है। एंड आज हम इसमें पेट्रोल डालते हैं, पहले 500 का पेट्रोल डाल देंगे एंड देखो तुम एक सिद्रा का चक्कर लग जाएगा, 500 का तेल उड़ जाता है। लाना कैमरे में, आप सब आ जाओगे, टेंशन नहीं लो, आप बस पेट्रोल डाल दो बाइक में। निंजा वाला भाई भी फोन कर रहा है, कह रहा मैं आ चुका हूँ। आज बताएंगे हम निंजा को क्या होता है भाई। आज वाले व्लॉग में मैंने इतना क्या बोल दिया कि भाई एक सुपर बाइक हमारी लाइफ में जरूर आएगी, तो मैंने कहाँ बात की कि हम ड्रीम को बेचने वाले हैं या वुल्फ को। मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं चाहे तुम 1 करोड़ की बाइक ले लो, ड्रीम और वुल्फ को कभी नहीं सेल करना। तो ये बाइक ना तुम्हारे भाई के पास है और तुम्हारा भाई तुम लोगों के साथ प्यार करता है, ठीक है, तो इसलिए मैं इन बाइकों का ख्याल रखूंगा। क्या राइड कर रहा है यार, कसम से, मतलब ना मेरे को यकीन नहीं हो रहा है मेरा फ्रेंड राइड कर रहा है क्या बाइक। गाइस, हियर इज निंजा राइडर। आज मौका मिला के निंजा वर्सेस KTM हम करने वाले हैं, लेकिन भाई पीछे बैठे हुए हैं, तो अभी भाई बैठा हुआ है पीछे। मैंने बोला ना कि फुल के पार ट्रैक लगाएंगे। वाली बाइक जो ना एकदम से ब्रांड न्यू बाइक है, जैसे कि आप T1022 दिख रहे हो, ये टेम्परेरी नंबर होता है। निंजा ने तो 300 सीसी बना दिया जो कि लोएस्ट बजट बाइक है, लेकिन हमारे पास RC390 है। RC390 में सिंगल सिलेंडर रहता है भाई, इसमें ना 2 सिलेंडर बाइक है और ये लॉन्ग रन में आगे निकलती है। टॉप एंड इसका बाइक का 187, मेरी ना 175 तक जाती है, लेकिन हमारा ना इनिशियल पंप जो है ना ज्यादा आरसी आगे निकल जाएगी क्योंकि ना इसमें पावर ज्यादा है। इसमें 43.5 BHP है एंड निंजा जो है ना 40 BHP का है, ठीक है। सामने इनसे इसके ना हैलोजन्स हैं जो लाइट लैंप से ये चेक कर पा रहे हैं। वैसे ना एक सुपर बाइक की शेप दी है, ZX10R की इंस्पायर्ड बाइक है, उस तरह का डिजाइन करा हुआ है इसको। एक जो खास बात इसमें, इसका जो सिटिंग पोस्चर है ना बहुत अच्छा है, तुम इजीली इस पे ना लॉन्ग टूर कर सकते हो। एंड 70 लीटर का जो टैंक है ना वो मेन चीज है, मेरे में तो भाई 9 लीटर की टंकी है, तो मैं ना बार बार मुझे पेट्रोल पंप जाना पड़ता है। अभी 500 रुपए का तेल डलवा ना भाई, इस सिद्रा के 2 चक्कर लगाऊंगा ना मेरा तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं यहां से, दोनों बाइक्स को लेके जाते हैं। तो अभी RS200 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम साइड रहो भाई। तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां पे। डालने वाले पावर ट्रॉनिक अपनी वाली। अच्छा, पावर ट्रॉनिक डालोगे तुम? हां, ईसीयू डालेगा बंदा नया, लेकिन तब भी यहां नहीं पहुंचोगे भाई की आज हवा टाइट होने वाली है। कल तो आगे निकल रहा था ना मेरे साथ, आगे निकल रहे थे ना तुम मुझसे, आज तबीयत वाले ड्रीम लेके आए हूं मैं। तुम दो तीन हॉर्न, बगल चल रही है भाई निंजा। हमारी RC390 आगे निकल चुकी है जैसे तुम देख पा रहे हो। 152 पे चले गई भाई, भाई गाड़ी आ गई थी आगे, तो मैंने बोला निंजा ही आगे निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है। ओ भाई साहब, अभी पांचवे गियर में ट्रैक लगा हुआ है, बगल बगल चल रही है बिल्कुल भाई।
मजा आ गया भाई, ये हुई ना रेस भाई। ऐसा लगा ना कि फर्स्ट टाइम ड्रीम के साथ किसी ने टक्कर दिया, वो ना निंजा 300 थी, मुझे कॉन्फिडेंस अभी ज्यादा है। चलो भाई बहुत फर्क आता भाई, निंजा और 390 का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। ये चेक करो कितनी पीछे है निंजा अभी। भाई मैं टॉप एंड ले जाऊंगा अपने ड्रीम में, पक्का लेके जाऊंगा भाई। 170, 172। सीरियसली किसी भी बाइक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये दोनों बाइक्स ऐसी है ना, 400cc की बाइक है लेकिन भाई इतना स्पीड में चलती है, मतलब 172 कोई कम नंबर नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। ओ बैक फायर सुन रहे हो? ओ भाई आरसी 390 नहीं मानती यार निंजा 300 को। वो देखो कितना फर्क रह रहा भाई। अब निंजा कहां पे भाई? ओ भाई कहां पे रह गया? मेरी बाइक से स्मेल क्यों निकल रही है? मेरी भी ऐसी कर रही थी जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी। हाँ मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा अच्छे से भाई ड्रीम को चलाया, मैंने इससे पहले इतना थ्रॉटल नहीं दिया अपनी बाइक को। स्टार्टिंग में जो ड्रैग में है वो हमारी बाइक विनर है, जैसे कि तुमने देखा। तो इतना बिलीव नहीं था कि हमारी 390 भाई निंजा को पीछे छोड़ेगी। वेल गाइस वी आर राइडिंग निंजा, लेट्स सी फुल पावर। हम निकल रहे हैं यहाँ से बजाज के शोरूम के लिए, वहाँ ना NS200 बुक करवानी है। फ्रेंड बोल रहा था कि वहाँ चलते हैं, मेरे पास कोई इशू नहीं, जाते हैं वहीं। ये है ना भाई 1500 किलोमीटर टोटल चली है, जैसे तुम ऑडोमीटर पे देख पा रहे हो सामने। मैंने इस बाइक में नोटिस करी ये है कि ना ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ना, बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है। जब मैं एक से दूसरा गियर शिफ्ट करता हूँ ना भाई, एकदम से पता भी नहीं चलता मैंने गियर शिफ्ट किया होता है, उतना मक्खन की तरह चलना बाइक वैसे परफॉर्म करती है। एक ही चीज है, अगर इसमें डिजिटल ऑडोमीटर होता ना सामने वो बहुत प्यारा लगता है, जैसे ZX10R में सामने होता है ना वो डिजिटल ऑडोमीटर होता है ना, तो वो बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि जो एनालॉग वाले मीटर्स है ना, इनका जमाना चले गया भाई, अब ये सब नहीं चलता है। अब लोगों को ना डिजिटल सब चीजें अच्छी लगती है ना। मैं इस पे ऐसे बैठता हूँ ना, ऐसा लगता है ना सोफे पे बैठा हुआ अभी, इतनी कंफर्टेबल है भाई। एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा अगर होगा ना, वो ये वाली बाइक लेगा तो ऐसा सच में फील होता है ना, एक सुपर बाइक की तरह दिखती है। सीरियसली मतलब 300cc की बाइक है लेकिन बहुत मजा आता है, जब तुम इसमें एग्जॉस्ट डलवाते हो तब भी अच्छा परफॉर्म करती है। सो आगे ना बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ के आए हुए हैं, लेट्स सी द रिएक्शन। ओहो क्या बात है, क्या बात है। लाइन के साथ कितनी अच्छी लग रही है बाइक तीनों, ठीक है। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बजाज के शोरूम में। भाई तू एनएस क्यों ले रहा है RS200 के बाद? कजिन को गिफ्ट दे रहा है, देखा यूट्यूब से कितना पैसा कमा दिया इसने। ओके ग्रे कलर वाली NS200 बुक करी अपनी कजन के लिए इसने, बहुत ज्यादा सरप्राइज दे रहा है भाई, यूट्यूब से इतना पैसा कमाया इसने, अन्ना पैसा। अब NS भी बुक करा दिया, देखो जैसे चेक करो रिसिप्ट आज, ठीक हो? बस ठीक, आप ठीक हो? आज बाइक बुक करा दी आपसे यहाँ से। हाँ इसने पैसा ज्यादा कमाया, इसे जो है ना लड़का यूट्यूब मेरे से भी ज्यादा कमा गया पैसा, पता आपको। जब निकलते हैं हम बजाज से, थैंक्स भाई, ठीक हो? वाइल्ड वुल्फ मैं लेता हूँ, टेंशन नहीं लेनी यार। ले लो ले लो, कोई बात नहीं, ले लो फोटो। बताएंगे अपने मोहल्ले में जाके भैया। अच्छा अपने मोहल्ले में बताओगे? चलो ठीक है। हाँ वहाँ पे तुम्हारे मोहल्ले में भी मेरे फैन, मुझे तो लगता था मुझे कोई जानता ही नहीं है। बाइक जो है ना बुक हो चुकी है, अब यहाँ से निकलते हैं हम घर के लिए। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, राइड सेफ, राइड हार्ड, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, बाय।